पीछे पीछे घूम रहे, जहां से हम रेडी हुए कपड़ा पहन के, तब से देख रहे मेरे पीछे पीछे कि जा रहे कहीं जाने वाला है। हेलो दोस्तों, आपसे गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम, और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जा रहे हैं, ट्रेन का एग्जाम है उसी को लेकर, और जान दो तीन दिन से पूरा उसका तबियत, 3 दिन से तबियत खराब है। कल पानी वगैरह स्लाइन का चढ़ा है, तो इसीलिए अभी जा रहे हैं 4-व्हीलर से ही लेके, नहीं तो वो तो अपना स्कूटी लेके ही चल जाता है। दवाई वाला कागज वाला ले लीजिए ना, वो यदि कोई कुछ बोलेगा तो उसको दिखा दीजिएगा। पानी अपनी बोतल ले लीजिएगा साथ में, देख तो अंदर घुसाने का अलाउड नहीं है। नहीं कार में, हाँ ठीक है, कागज अपने साथ रख लीजिएगा उसको, डॉक्टर वाला भी। तो वही चीज है, पानी का तो ग्लूकोज में क्या वो ORS ना, ORS घोल के इसको दे दिए हैं ताकि पानी लग रहा है कि देखिए जाएंगे इसीलिए बैठ गए गाड़ी में। क्या चाबी है, क्या कुछ नहीं, चल चलो डाल इसको, देखिए पहले आपका। ये बाप रे, ये देखो स्कूटी में बैठ गई कैसे, आगे बड़ी स्कूटी है, निकाल इसको अंदर बांध दो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा ये। हमसे तो जाएगी नहीं बाबू, आप ही से जाएगी। ये भगवान ही क्या जो करेगी, समझ में नहीं आ रहा। जहाँ से इसको देखो अब रेडी हो गई है, अब हमको तो जाना ही है। कराई कैसे आराम से बैठ गई स्कूटी पे, अभी आ जाएंगे तुरंत, अभी भैया को छोड़ के दोस्तों। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बैठ चुका है, अभी चलो डायरेक्ट पहुंचते एग्जाम हॉल ही, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है हमारा, तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं। गाड़ी का तेल भी थोड़ा भरवाना है, इसका स्टॉप बॉक्स भी दिलवाना है। अभी दुकान खुला मिलेगा ना? चलो स्टॉप बॉक्स मिला, कौन सा उसका, ये सब देख लिया ना, सारा चीज है ना। चलते फिर जल्दी से, डेबिट कार्ड वगैरह सब बढ़िया से रखे हैं ना, पेन लेके और क्या क्या, तो देख लीजिए पहले ठीक से। कल हम लोग एग्जाम हॉल आ चुके हैं, अभी सारा लोग उधर खड़े हैं। अभी कितना देर से स्टार्ट हो गया इंटर, 9:30 तो 9:23 हो गया, 9:30 से स्टार्ट होते घुसाने। हाँ शायद अगले बार यही बात, कोई एंटर किया नहीं अभी वैसे। अच्छा चलो ठीक है, प्रेम को फिलहाल तो अभी वो अंदर कर गया, अभी चलो मैं भी घर चलता हूँ, खाना कुछ खाया नहीं, तो बैग मेरे पास है, बैग का कुछ काम था भी नहीं, ऐसे स्टॉम्प बैग्स वगैरह लेके आया था इसीलिए बैग ले आया था। तो अभी चलो चलते हैं घर में, कुछ खाना वाना खाएंगे फिर अभी आएंगे। अभी तो रुको एक बार चेक कर लेते, गाड़ी पत्थर में टकराया था, आते टाइम 2 गाड़ी मिला था उसी कारण से देख लेते, आते टाइम पत्थर चढ़ा था वही देख रहा हूँ मैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं, समझ भी नहीं आ रहा। वही हमारा गांव में ही पत्थर ऐसे बुलडोजर रखा हुआ है ना, तो बाप रे बाप क्या बोले। चलो अभी फिर चलते हैं घर, डाल तो अभी घर आ चुके हैं। और ये देखिए दीदी हमारा सब्जी बना रही है, तो क्या बनाई, खाना बन गया, टमाटर का चटनी। बारे बारे आज टमाटर की चटनी हमारा बन चुका है, चलो अभी खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगा। अभी प्रेम 1 बजे छुट्टी होगा, तो फिर वहाँ 1 बजे जाएंगे लाने के लिए, तो अभी क्या करेंगे वहाँ, इसीलिए बुला ली हम भी आ गए, क्योंकि आप खा के गए नहीं थे इसीलिए हम बुला लिए आपको। अच्छा ठीक है, लो खा लेता हूँ, यहाँ पे खाने भी खा ली बाहर है, इसीलिए आराम से बैठी हुई ना। दोस्तों अभी ड्रैगन फ्रूट जो हम लोग ले आए हैं और इसको अभी खाएंगे, देखेंगे कितना दिन पहले लाए, आज छिपा के रख दिए, खाने को तो दिए नहीं, अभी बोल रहे कि चलो ड्रैगन फ्रूट को काटते हैं और खाते हैं। तो अभी हम लोग, ये हमको खाना चाहिए कि नहीं पता नहीं, फ्रूट को क्या पता, तू अच्छा थोड़ा चख के देख लेना, छोड़ देना बाकी हम लोग देखेंगे खा के कैसा है क्या, तभी इसको चख के देखेंगे बाकी। दोस्तों कैसा लगा, आप लोग खाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगता है। हम लोग कभी भी नहीं खाए, हम तो बिल्कुल भी नहीं खाए हम। और समीर तब से पगलाइले था कि मामूजी कब काटिएगा, अब तबियत बिगड़ गया क्या खाइएगा, तबियत और बिगड़ गया तो दोनों भाई कितना खाइएगा, कितना खाइए इतना। समीर को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसका भी देख रहे हैं कि पूरा हालत खराब हो गया बेचारा, दर्द कर रहा है और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, दवाई वाई करवाना पड़ेगा, आना जाना आना जगह लगा ही हुआ है, छुटकारा नहीं हॉस्पिटल से। चलो अभी इसको खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। ऐसा हम लोग का स्थिति, फिर भी हम लोग खुश रहने का ही कोशिश करते हैं, हमेशा खुश रहो, जीना है इसी का नाम। ये उसके पीछे तरफ काट के अंदर से देख रहे कैसे लाल दिख रहा है,
लिखा है कि नहीं? अब कैसे काटना? क्या पता? मछली सब कैसे काटता है? अच्छा इसको एक काम करो ना, बीच से काटो, बीच से ऐसे 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 नहीं ऐसे 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 या अरे बाबा रे तो कुछ दोखे दोस्तों, इस तरह से बीजे बहुत सारी दिख रही है। देखिए ड्रैगन फ्रूट का काट के निकाले तो हमारे बीज अभी इस तरह से अंदर दिख रही है। कैसा दिख रहा है? हाँ और एक बार फाड़ो इसका छिलका सब हटा देना है। ये तो ऐसे ही उठ गया है, पूरा निकल गया। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं उतना नहीं खाऊंगा, पहला बार खा रहा हूँ, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं स्वाद। कभी तो हम लोग चखे भी नहीं, और देख रहे हैं ऐसे बीज है इसके सारे, देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक सब बीज है। ये जो बीज पता है कैसा दिख रहा है? हाँ ये काला जीरा जैसे नहीं होता। हाँ हाँ अच्छा लो पहले हैप्पी को देता हूँ खाने के लिए, लो अभी खा रही है। ये भी पहली बार चाट रही, क्या स्वाद रे भाई, हम लोग तो कभी खाए नहीं, पहली बार आ रहा है। नहीं खा रही, वो भी नहीं खा रही, ये भी टेस्ट देख के खाती है चाट के। चलो मैं देखता थोड़ा खाते, अमरूद का स्वाद है और चीली में क्या बोलते हैं लीची, उस तरह से का स्वाद है। अच्छा बीज सब ये भी है कि दांत से कट जा रहा है बीज। हमने बोला कि सोचा कि बहुत टाइट हो, बट ऐसे कुछ नहीं। तभी देखो हम लोग तो चख लिए, अभी समीर और दीदी का लो और फाड़ के दे दो ना, फाड़ के दे रहे है बे सुनो। दीदी पता नहीं कैसा लगेगा, दीदी थोड़ा सा खा के देखो, जैसा है ना। हाँ, देखो खा के देखो कैसा है, दिख रहा है स्वाद कैसा लग रहा है। लीजिए समीर, खराब है स्वाद थोड़ी है, अमरूद जैसा है। हां वही ना बोल रहा है, अमरूद जैसा ही लग रहा है। लो समीर को भी दो, समीर का तबीयत अब ठीक हो जाएगा, खाइए ना समीर का। लेकिन गाल तो सही में इस साइड बहुत ज्यादा फूल गया है, उस टाइम फूला नहीं था, नहीं फूला था उस टाइम भी, लेकिन पचका था उसके बाद फिर से फूल गया। जब भी खा रहा है ना तो यहाँ लग रहा है उसको। हाँ बात तो है, कैसा लगा? दो थोड़ा कैसा? ठीक तो है, कैसा लगा? ठीक है, अमरूद जैसा लगा, अमरूद और बेर जैसा लगता है, दोनों स्वाद मिला हुआ ना। हमको भी लगा था पहले जो अजीबो गरीब स्वाद लगेगा, बट ऐसे कुछ नहीं। अच्छा कोई स्वाद ही नहीं समझ में आया जो नहीं कहा जो जीरा डाल दिया है, नहीं खाएगा तो दाऊ मैं खा जाऊंगा। और इसमें बाकी फैमिली सब पापा है। हाँ हाँ लव मैं ये खा लेता तो। थोड़ा सा हमको भी खा दीजिए, हम मेरा बाबू को प्रोटीन मिलेगा। अच्छा अच्छा बाबू का हिस्सा तुम खा लो। अरे हैप्पी को दे दो, दे दो वो बेचारे खाने के लिए। दीदी मम्मी को दीजिए, मम्मी को हम हैप्पी को दे देंगे। अरे ले ये घिसका रहे चौका होगा सब। पापा इसमें प्रोटीन है, लीजिए हैप्पी भी खा ली बार गाधा जन्म पार कर लिया ड्रैगन फ्रूट खा के दे। हाँ वो रख दो, पापा का देखो स्वाद चक के कैसा लग रहा है, पापा बताएंगे। हम लोग ने खाया था एक बार, और आप लोग कौन कौन खाए कमेंट करके बताना। देखिए फोटो खाएगी, देखिए कौन को लगा ठीक है, खराब स्वाद कर रहा है। हाँ दे खाने के लिए इधर बैठी है, देख रहा है। हाँ दे बैठी है इसको तो ना, दे पहले चाट रही थी खाने नहीं खोल, अभी देख रहा है हैप्पी भी स्वाद आ गया इसको, अब इसको भी मजा आ गया। दोस्तों ये देखिए हमारा फेसबुक पेज पर अभी 236,000 फॉलोवर हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो। जो जो फॉलो नहीं किए थे जल्दी से जाके फॉलो कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जाइए और पसंद कीजिएगा। डेली का मस्ती गुस्सा सब देखने को मिलेगा। ब्लॉग में उतने सारे वीडियो नहीं होते, लेकिन जितना उसमें होते थे आप लोग उसको भी जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, और जाके हमारा फॉलो करिए चाहे ना करिए, एक बार वीडियो देख के आ जाइए, बस बस वही काफी है। तो चलो दोस्तों अभी जाता हूँ, प्रेम का भी टाइम हो गया छुट्टी का, 12:30 बज गया, 1 बजे छुट्टी होती है, तभी देखते हैं उनको लेके आता हूँ और खाना उसके लिए आइसक्रीम भगवान और लड्डू नहीं तो पेड़ा। अच्छा ठीक है ला दे, तभी जाते हैं, चलो लेके आता हूँ उनके लिए। चलो अभी गाड़ी को निकालते हैं, टाइम हो गया, जल्दी से पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो देखना सब निकल गया बेचारा अकेले खड़ा है। जय श्री राम। तो बैठ एग्जाम अच्छा से गया ना, चलिए बढ़िया, अभी निकलते हैं, इधर आ गए छुट्टी भी हो गया, जस्ट थोड़ा सा रुके और आ गए छुट्टी हो गया लोग का भी। वैसे कुछ दिक्कत नहीं हुआ था ना फिर? नहीं थोड़ा कमजोरी टाइप बस लग रहा था।
बोतल तो बोतल वो पानी पिए सर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं कुछ नहीं बोला, खत्म हो गई। चलो ठीक है घर चलते हैं। आते टाइम ही लोग रास्ता आइसक्रीम खाएगा और वाइफ के लिए भी ले लिया आइसक्रीम, वो बोल के रखी कि आइसक्रीम लेते आइएगा। चलो खाते खाते घर पहुंचो। हैप्पी देख रहे, हैप्पी आपके लिए नहीं है मम्मी के लिए है ये। तब पूरा एकदम गाना सुना सुना के बोल रहे थे आइसक्रीम ला दीजिए आइसक्रीम ला दीजिए, जब ला दिए पूरा सो रहे है वो। लीजिए ठंडा है, ठंडा में आइसक्रीम यदि कुछ हुआ ना बाबू सोच लेना फिर। अरे अभी से बाबू हमारे घर में फाइनली दोस्तों हमारे घर में बाबू आ गया है, देख रहे हो बाबू या बाबूआनी जो है। ये भी मेरा बाबू है इसीलिए तो इसके ट्रेनिंग दे रहे ताकि हमसे दूर ना रहे। सबको बोल रहा है जब बाबू आ जाएगा तो इसको अलग से छत पे रूम बना दो। और हम लोग के बिना ही रह नहीं पाती, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, तो इसीलिए ट्रेनिंग दिला रहे। यार हमारा घर में बाबू जो आया वो बाबू तो दिखाएंगे, कौन सा बाबू है अभी फिलहाल दिखाते हैं। ये पिकाचू बाबू है अनुष्का छू दी इसीलिए बाबू छू ली। ये मम्मी का इसका पिकाचू है, देखिए इसका बाबू है। नोच नोच के एकदम बर्बाद कर रही है जितना सारा है ये। देखिए इसको भी नोच नोच के एकदम हालत खराब कर दी। भगवान वही हम लोग डर लगता है, हम लोग वही डर सताता है कि यदि हमारे घर में नया बाबू आएगा तो उससे ये क्या। अरे वो तो टेंशन उसी लिए जो भी घर में आता सबको वही बोलता है कि तुम्हारा बाबू को नोच ना दे। ये भगवान वही डर लगा रहता है इसको। अगर हम लोग गोदी में कोई और रहता है तो नोचने लगती है, उसका लोग बैठ जाता है पूरा देती है वो तो मेरा मम्मी पापा का गोदी से। अब तब तो और कोई मेहमान आ जाएगा ना तो दोस्तों अब हमें नौवा मंथ तब आने वाला है, हमें अब हम लोग अलर्ट रहना है जितना मतलब अपना सावधान से रह सके जितना हो सके, कब क्या हो जाए पता नहीं। जैसे तो आप लोग पता ही, और आप लोग भी बोलते हैं कि आप लोग सावधानी से रहे, सबको तैयारी करके रखे। बहुत सारा सामान हमने लिया नहीं है तो वो भी सोच रहे कि खरीदारी करके रख ले। ऐसे कमेंट करके बोलते भी है कि आप लोग पहले क्यों ले ले रहे, क्योंकि इसलिए हम लोग ले रहे कि मेरा मम्मी सासू मम्मी है नहीं और मेरा घर से तो बात होता नहीं, तो हम लोग को जितना समझ में आ रहा है उससे पहले हम लोग कर ले रहे ताकि बेबी आए उस टाइम हम लोग जल्दी जल्दी इधर उधर ना जाए लेने के लिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं पहले से अपना तैयारी करके रख ले तो बेस्ट होगी, जितने से अच्छी होगी। और बाबू कब होगी, बाबू कब आएंगे भाई वो तो भगवान बताएगा, हम लोग क्या बताएंगे। सब लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि कब आएंगे कब आएगी, बाकी डेट का कब है वो बताया जाएगा। लेकिन फिर जब अगर सही में हम लोग का घर में कोई बड़ा गार्जियन रहता, हम लोग का देखने वाला होता तो हम लोग पहले से ही टेंशन लेके नहीं रहते, इतना कुछ सोचना पड़ता ही नहीं पड़ता ही नहीं है, तभी हम लोग को करना पड़ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बोलते हैं कि गार्जियन है, वैसी बात नहीं, हमारे दीदी लोग तो गार्जियन नहीं गार्जियन है, बट दीदी लोग बोलते हैं हम लोग को उतना पता ही नहीं, जितना भी था सासू माँ थे या मम्मी थी यही लोग सब करता था, लोग उतना सब टेंशन लिया नहीं तो उतना कैसे पता चलेगा क्या करना है कब क्या है क्या नहीं। दीदी लोग पूछते थे, दीदी लोग बता ही नहीं पाते इसी कारण से। और आप लोग बोलते हैं बड़ी दीदी होते भी पूछते नहीं, मतलब ये घूमने जा रहे थे तो सत्तू भर का रोटी हम बनाए, वो भी दीदी को पता नहीं कि मुंह बंद नहीं करना चाहिए। अब हमको तो पता नहीं, मेरा फर्स्ट बच्चा है तो हमको क्या पता रहेगा मुंह बंद। अब वीडियो अपलोड हुआ तो आप लोग सजेशन बताए तो पता चला, तो इसीलिए हम लोग को जो समझ में आ रहा पहले ही कर ले रहे ताकि तब उस टाइम हड़बड़ हड़बड़ में ये अकेले परेशान ना हो जाए। बाकी चलो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो से करते हैं जल्दी हमारे घर में बाबू आए, बाकी आप लोग देखने को मिलेंगे बाबू मतलब बाबू मतलब लड़का लड़की कोई भी बेबी में। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।